अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ डीजी खान डीजी सीमेंट फैक्ट्री के गेट पे। आज मैंने आपको डीजी सीमेंट फैक्ट्री का विज़िट करवाना है और इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और ये फैक्ट्री के अंदर का विज़िट होगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी है। आप मेरे साथ रहेंगे तो बहुत मज़ा आएगा और चलते हैं और फैक्ट्री का विज़िट करते हैं और एंजॉय करते हैं। आप मेरे साथ जी। दोस्तों, ये फैक्ट्री और कॉलोनी का मेन गेट है जो अभी भी ज़ेर तमीर है। यहाँ मौसम के लिहाज से शदीद सर्दी और शदीद गर्मी पड़ती है, इसी मुनासबत से इस गेट की तमीर की जा रही है और एक गेट कॉलोनी का है और दो गेट फैक्ट्री की तरफ। डीजी सीमेंट फैक्ट्री को 1986 में बनाया गया था। इसका प्लांट जापान से मंगवाया गया था। नवाज शरीफ के पहले दौर में इसको मियां मोहम्मद मंशा को बेच दिया था जो अब भी मियां मोहम्मद मंशा के पास है। और मज़ीद इसमें दो प्लांट्स का और इजाफा किया गया जो फ्रांस से मंगवाए गए। ये फैक्ट्री के अंदर ही एक खूबसूरत और स्मार्ट पार्क बनाया गया है। ये इस लिहाज से भी एक अच्छी बात है, एक अच्छा कदम है कि फैक्ट्री की आबो हवा को ताज़ा और खुशगवार बनाने के लिए एक अहम कदम है। और इस तरह की सरगर्मियां या इस तरह के जो पार्क हैं ये फैक्ट्री के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए ये एक अच्छा कदम है। सीमेंट फैक्ट्री खुश्क पहाड़ों में वाक़िया है और इसकी हरियाली सिर्फ आपको फैक्ट्री एरिया ही में नज़र आएगी, बाकी इर्द गिर्द के तमाम पहाड़ खुश्क पहाड़ हैं। यहाँ मौसम बहुत शदीद होता है, शदीद गर्मी और शदीद सर्दी होती है और गर्मियों में इसका टेम्परेचर 50 तक पहुँच जाता है। जिप्सम और लैमस्टोन पहाड़ों से लाया जाता है। पहाड़ों को बारूद बम्प से तोड़कर पत्थर को क्रशर करके बेल्टों के ज़रिए फैक्ट्री तक लाया जाता है। ये बेल्ट पहाड़ों के क्रशर से लेकर फैक्ट्री प्लांट तक बेल्टों के ज़रिए से ही लैमस्टोन को और जिप्सम को लाया जाता है। सीमेंट का पैकिंग प्लांट का होता है। पैकिंग प्लांट पे सीमेंट को पैक करके बेल्टों के ज़रिए ट्रकों